सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय येट अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग बडीज। टाइम इफ अगर मैं बताऊँ मॉर्निंग के चार ग्यारह हो रहे। एक्चुअली हम एक जा रहे एक शॉर्ट ड्राइव पे, नॉट राइड पे, इस बार जा रहे शॉर्ट ड्राइव पे। दोस्त है चेतन भगत भाई, उसकी फोर व्हीलर। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, उसने बस कल कॉल किया और मुझे बोला कि चल एक मतलब नासिक साइड कहीं तो कंफर्म लोकेशन मुझे भी नहीं पता। बस उसने बोला नासिक साइड कहीं जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, मिड नाइट तक आ जाएंगे। मैंने बोला चलो। आई एम लाइक मैं बिजी आदमी, आज KGF देखने वाले थे, हम दोनों का टिकट था, भाई ने हक दिया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, भाई ने हमारा वहाँ पे भी हक दिया। वो तो उसका रोज का ही है, तो उसको जाने दो। तो अभी एक्चुअली अभी जाता हूँ, मेरी बाइक निकाल के पहले उसके घर जाता हूँ, फिर वहाँ पे आप लोगों के साथ। तनी के हमारे चंदा मामा को देखो कितने मस्त लग रहे। ससुरा छाड़ आ गया यार, तो भी थोड़ा थोड़ा करके देख सकते होंगे। बोल चंदा मामा लालम लाल हो गए एकदम, लालम लाल। और ये आज हमारी गाड़ी जिस पर हम ड्राइव पे जाएंगे इधर इधर। सर हमें लेके जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फोर व्हीलर पे कभी बैठे नहीं है, पहली बार है हमारा फोर व्हीलर पे। मजे नहीं ले रहे सर, तारीफें चल रही है आपकी। चलो तो हम घुमा देते हैं। कहाँ जा रहे लेकिन? नासिक। नासिक में कितना मालूम नहीं? नासिक में पता नहीं, नेविगेशन आ रहे पीछे से पता है, पीछे आ रहे। थोड़ा नासिक साइड आ गए ऑलमोस्ट। कहाँ पूछे? कभी नहीं पता। नाश्ता करने रुके थे, मिसल पाव खाया, चाय पिया, भाई ने पोहे खाए। पोहे कैसे थे? क्यों, क्या बोलती हो, क्या बोलती है? पोहे बनेंगे, पोहे। ओ क्या है, नाश्ते में क्या बनेगा? पोहे बनेंगे। नहीं ऐसा नहीं, खाने में क्या था वो? कुछ तो था, जो भी था पोहे थे। वो बात अलग है, पता नहीं चला कौन से पोहे थे। कंधे पोहे थे ना कि क्या बताओ कुछ। अरे आज अभी रोड बहुत खराब है, जहाँ हम लोग में महाराष्ट्र घुसा, फिर वेलकम टू महाराष्ट्र। कसम खा ली महाराष्ट्र। हाँ कि रोड बनाना ही नहीं, नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा, मेट्रो बनाएगा, रोड नहीं बनाएगा। मेट्रो का काम है इसलिए रोड नहीं बन रहा। रोड नहीं बनेगा यार, इतना खराब। अभी 25 किलोमीटर है लेकिन एक घंटा लगेगा पहुँचने में। इससे अच्छा तो मलाड है, जान मलाड़ी पड़ता है। चलो तो अभी आप भी सोच रहे रहेंगे कहाँ नासिक से वो शूट हुआ था लास्ट, हम लोग जो नाश्ता किया उसके बाद कहाँ इधर। एक्चुअली कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ 10 बज रहा है, आई थिंक सो, मेरे को ऑफिस निकलना है अभी। तो सीन ऐसा हो गया था वहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया था कि नासिक मेरे को काम से जाना था, मेरा ही काम था। तो मैं चेतन को बोला चल तेरी गाड़ी निकाल, अपन एक ऐसा घूम के भी आ जाएंगे, ब्लॉक भी हो जाएगा और काम का काम भी निपट जाएगा। और मेरे को उसी दिन आता है, मेरे यहाँ से नासिक को आई थिंक 250 किलोमीटर ही पड़ेगा। सीन कैसा हो गया था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेतन, हम लोग जैसे कि कल सुबह सुबह मतलब एकदम मिडनाइट है सुबह बोलो कि 4 बजे निकल गए थे, तो मैं उठा 3 बजे था और मैं सोया भी 1 ही बजे था, 1 बजे सोया था, 3 बजे उठ गया था, सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली थी। और चेतन तो पूरी रात ही नहीं सोया था, वो तो बोल रहा था मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो सोया ही नहीं। और उसने फिर हम लोग फिर वहाँ से फिर मैं 3 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, 4 बजे घर से निकला, 4:30 बजे चेतन की तरफ पहुँचा, फिर वहाँ से हम निकल गए फोर व्हीलर लेके। अब एक्चुअली सीन कैसा हो गया था कि फिर हम यहाँ से गए, एकदम हाईवे मस्त मिला ना गुजरात बॉर्डर तक, जब तक गुजरात बॉर्डर में थे तब तक हाईवे इतना मस्त मिला ना कि क्या ही बोलूँ। हम लोग ने कुछ 170-180 किलोमीटर हम लोग ने कुछ 2 घंटे में निपटा दिया आराम आराम से।
फिर उसके बाद आया महाराष्ट्र बॉर्डर। महाराष्ट्र बॉर्डर में जैसे हम अंदर गए, मेरे को कुछ 60 या 70 किलोमीटर उतने के बीच में हमें लग गए 2 घंटे करते करते। वो इतना हेडेक वाला पार्ट हो गया ना, जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर घुसे थोड़ा सा आगे गए वहाँ पे, वहाँ से तो रोड ही नहीं है, रोड टूटे फूटे रोड ही नहीं दिख रहा है हमें कि रोड है किधर। फिर हम ऐसे कैसे तैसे गए, फिर हम पहुंचे वहाँ पे, तो एक्चुअली कैसा हो गया था कि पहुंच के सब काम निपटा दिए, फिर हम खाना खाने बैठे और मेन के सब नींद भारी हो रही है सर पे, और मेन जो काम के लिए गए थे ना वो काम भी प्रॉपर हुआ ही नहीं, मतलब वो डील कैंसिल हुई, तो उसके लिए गए थे वो तो खराब हुआ ही हुआ, मूड उसमें खराब हो गया था, प्लस खाना खा लिया तो मैंने तो राइस खा लिया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद जो नींद लगनी चालू हुई, जो मतलब क्या ही बोलो, फिर आते समय चेतन को भी बहुत नींद, मेरे को भी बहुत नींद, मतलब हम लोग एकदम हालत खराब हो गई थी। और उसी दिन रिटर्न आना था, क्योंकि आज के दिन 15 तारीख आज मैं जा रहा था जयपुर, मतलब मैं और मेरे दोस्त लोग जयपुर जाने का प्लान कर रहे, प्लान हो गया था, टिकट बुक हो गई थी, होटल बुक हो गए थे, सब बुक हो गया था पहले, लेकिन एंड मोमेंट पे कल रात को कैंसिल हो गया। तो मेरे हिसाब से मुझे आज जाना है तो मुझे कल रात के रातों आना था, तो हम लोग कल वहाँ से दोपहर को निकल गए, कुछ 3 या 3:30 के रेंज में कुछ हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर वही महाराष्ट्र का खराब पैच, एक तो उसमें नींद आ रही है प्लस सो नहीं सकते, क्योंकि मैं सोऊंगा तो उसको भी नींद जैसा होने लग जाएगा, मैं उसके बाजू में बैठा हूँ को ड्राइवर जैसा। तो हम कैसे 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 गुजरात बॉर्डर तक टच किए, फिर एक बार वहाँ चाय ब्रेक मारे, फिर वहाँ से सब करके आ गए ऐसे कैसे, इसलिए ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ, मतलब हेडेक इतना हो गया था ना, नींद इतनी आ रही है, सर सर दुख रहा है, फिर उसके बाद ये वाला रोड तो वो बहुत हो गया था। फिर उसके बाद रात को आया तो मालूम पड़ा जयपुर कैंसिल हो गया। तो ऐसी ऐसी ट्रेजेडी होती रहती है हमारे साथ, हमें हमारी नसीब पे भरोसा, ऐसा होना ही है। बाकी तो जान दो, आई होप, मेरे को लगता है मान 5-6 मिनट का ब्लॉग बनेगा, तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहेगा। पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पसंद आने लायक तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर अभी, तो कोई नहीं, मिलते अभी नेक्स्ट ब्लॉग।